साई की चिट्ठी आपके नाम। पापा कहते हैं कि जब तक आप किसी के साथ रहते हैं और उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं तो वो व्यक्ति कभी आपको कुछ नहीं बोलता, और जैसे ही आपने उसकी किसी बात को लेकर कुछ बोला ऐसे कि हाँ नहीं तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तो बस वो व्यक्ति तुम्हारे अंदर जितनी कमियाँ वो निकाल सकता है उतनी कमियाँ निकालने की चेष्टा करेगा। कहते हैं ना कि जिंदा रहो तो लोग सिर्फ कमियाँ ही कमियाँ निकालते हैं, बुराई करते हैं, एक भी चीज़ अगर कुछ अच्छी होगी तो उसको बुरा कहने पे उतारू रहते हैं, और जब वो आदमी दुनिया से चला जाता है तो उसकी इतनी अच्छाइयाँ ढूंढ लेते हैं कि बस मतलब लिखते लिखते और सुनते सुनते ही आदमी थक जाए, लेकिन वो व्यक्ति फिर अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ करता है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि मतलब जब तक आदमी है सामने तब तक वो व्यक्ति क्यों क्यों नहीं समझता है, और क्यों वो ऐसा होता है कि हाँ जब वो दूर हो गया तो उसकी अच्छाइयाँ आ गई, अरे वो नहीं है तो देखो कितनी अच्छी आदत थी उसमें ये और वो। लेकिन जीते जीते ही तो समझना है ना एक दूसरे को, मरने के बाद समझा तो क्या समझा। अपने आसपास की चीज़ों को देखो, क्या तुम क्या इसमें से क्या लेकर यहाँ से जाओगे और क्या लेकर आए थे। ना कुछ लेके जाना है ना कुछ लेकर आए थे, अपने बना कर रखो लोगों से, क्योंकि यही तुम्हारा अपनापन ही आगे यानी कि तुम्हारे अगले जन्म में काम आएगा।